बच्चों, इस वीडियो में हमारा ध्यान रहेगा इस टॉपिक पर, क्रोनिक डिसीजेज एंड पुअर हेल्थ। एक्यूट और क्रोनिक डिसीजेज का हमारी हेल्थ पर अलग अलग इफ़ेक्ट पड़ता है। कोई भी डिसीज़ जो आपकी बॉडी के किसी पार्ट को या उसके फंक्शंस को अफेक्ट करती है, वह आपकी हेल्थ पर भी बुरा प्रभाव डालती है। दिस इज़ बिकॉज ऑल फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर नेसेसरी फॉर बीइंग हेल्दी। बिकॉज आप जानते हैं, हेल्थ के अंदर फिजिकल फिटनेस भी आती है। हम हेल्थ की डेफिनेशन देते हैं तो फिजिकल, सोशल और मेंटल वेलबींग होता है, ठीक है ना। तो जो फिजिकल वेलबींग है, उसमें हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, उनकी फंक्शनिंग है, ये सब आ जाती है। तो अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनकी फंक्शनिंग ठीक रहनी चाहिए, ठीक है ना। और एक्यूट और क्रोनिक डिसीज से दोनों ही प्रकार से हमारे बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन क्रोनिक डिसीज़ में ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। पर ऐसा क्यों कि क्रोनिक डिसीज़ में ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, ये समझते हैं। जो एक्यूट डिसीज़ होती है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, वो ज़्यादा समय नहीं लेती ठीक होने में, तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा बड़ा प्रभाव हमारी जनरल हेल्थ पर उस नहीं दे पाती, नहीं पड़ता। तो एक्यूट डिसीज़ विच इज़ ओवर वेरी सून विल नॉट हैव टाइम टू कॉज मेजर इफ़ेक्ट्स ऑन द जनरल हेल्थ। जबकि क्रोनिक डिसीज़ जो कि लंबे समय तक चलती है, इट विल हैव सम इफ़ेक्ट ऑन अवर जनरल हेल्थ। एग्जाम्पल के तौर पर आप कफ का एग्जाम्पल ले लो या कोल्ड का एग्जाम्पल ले लो, जो आपको हर साल होता ही है। और आप ये देखोगे कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाते हो, है ना, और एक आध हफ्ते के अंदर आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो और अपना जो नॉर्मल वर्क करना स्टार्ट कर देते हो, और इसका कोई लंबा प्रभाव आपकी हेल्थ पर नहीं पड़ता। ऐसा तो नहीं होता कि आपको कोल्ड हो गया था तो आप अगले एक साल तक परेशान रहो या जीवन भर परेशान रहो, ऐसा तो नहीं है। आप हफ्ते भर के अंदर या 10 दिन के अंदर एकदम नॉर्मल हो जाते हो। लेकिन अगर आपको कोई क्रोनिक डिसीज़ होती है ना, जैसे कि आपको ट्यूबरकुलोसिस हो गया सपोज़ लंग्स में, तो क्या होगा, आप कई साल तक बीमार रह सकते हो और आपका वज़न गिर जाएगा, आप थकान फील करेंगे हर वक्त, और आपकी जो जनरल हेल्थ है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपको मान लो हाइपरटेंशन हो गया, हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर, तो हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो मतलब फिर ये लंबे समय तक के लिए आपको दिक्कत होने वाली है और इवन लाइफ लॉन्ग भी चल सकता है। डायबिटीज़ हो गया तो आपके शरीर पर, आपकी जनरल हेल्थ पर लॉन्ग समय के लिए असर पड़ने वाला है, बिकॉज डायबिटीज़ आपका साथ नहीं छोड़ेगी। और क्रोनिक डिसीज़ होने पर क्या होगा, वी मे नॉट गो टू स्कूल फॉर अ फ्यू डेज़ इफ़ यू हैव एक्यूट डिसीज़। अच्छा, एक्यूट डिसीज़ में क्या होगा, आप स्कूल कुछ दिनों के लिए नहीं जाओगे लेकिन फिर आप वापस लौट आओगे, 3-4 दिन में, 10 दिन में आप ठीक हो जाओगे, फिर आप वापस आ जाओगे स्कूल। तो एक्यूट डिसीज़ में आपका स्कूल ज़्यादा दिन ऑफ नहीं रहेगा, मतलब आपकी जो अटेंडेंस है वो इतनी शॉर्ट नहीं होगी, आप पहुँच जाएंगे स्कूल कुछ दिनों के अंदर। लेकिन अगर आपको क्रोनिक डिसीज़ हो जाती है तो आपके लिए स्कूल आना और लंबे समय तक स्कूल में पढ़ाई करना एक डिफ़िकल्ट काम होगा, और इससे आपकी लर्निंग की एबिलिटी भी अफेक्ट होगी, क्योंकि क्रोनिक डिसीज़ आपके साथ लंबे समय तक रहने वाली है। ऐसे में हो सकता है कि आपको पूरे साल में देखा जाए तो आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाए, आपकी छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा हो जाएँ बिकॉज ऑफ दैट डिसीज़। इन अदर वर्ड्स, वी आर लाइकली टू हैव प्रोलॉन्ग्ड जनरल पुअर हेल्थ इफ़ वी हैव अ क्रोनिक डिसीज़। तो अगर आपको क्रोनिक डिसीज़ है तो प्रोलॉन्ग यानी लंबे समय तक आपकी हेल्थ पुअर रहने वाली है, एक्यूट डिसीज़ में ऐसा नहीं होता। इसीलिए क्रोनिक डिसीज़ को माना जाता है कि इट हैज़ ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स ऑन पीपल हेल्थ एज कम्पेयर टू द एक्यूट डिसीज़। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि एक्यूट और क्रोनिक डिसीज़ में कंपेयर किया जाए तो क्रोनिक डिसीज़ का हमारी हेल्थ पर ज़्यादा बड़ा
प्रभाव पड़ता है और लंबे समय तक पड़ता है, जिससे हमारी जनरल हेल्थ अफेक्ट होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।